अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। आज हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर दोज सॉलिड्स इन विच द लेटेस्ट पॉइंट्स आर ऑक्युपाइड बाय मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यानी दोज सॉलिड्स इन विच The lattice points are occupied by atoms or molecules connected through van der Waal forces are called मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनमें लेटेस्ट पॉइंट पे या तो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे मुंसलिक होते हैं। तो ऐसे सॉलिड को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। अब चूंकि वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर नॉर्मली सॉफ्ट। ऑल मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट यूजली 200 से बढ़ता नहीं है। सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जो कि एटम्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं और इनके बीच वीक वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है इनके एग्जांपल्स है आइस, शुगर, आयोडीन, P4, phosphorus, S8, etc. So these are some of the examples of molecular solids. Molecular solids में ice और sugar जो है they are relatively hard and have high melting point because they have strong hydrogen bond among their particles. So ice और sugar जो है इनमें चूंकि hydrogen bond होता है, so इनमें थोड़ा सा stronger van der Waal forces है। Hydrogen bond is one of the stronger van der Waal forces. लिहाजा इनकी properties normally इन बाकी molecular solids से थोड़ी बहुत जो है वो ज़्यादा होती है। But normally molecular solids are relatively soft as compared to the other three types of solids. प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में? सो नंबर वन, दे हैव वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि इनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं वो वीकर होते हैं, सो दे आर नॉर्मली सॉफ्ट। तो ये नॉर्मली सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू द अदर सॉलिड्स। क्योंकि इनमें वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनमें वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, लिहाजा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लूजली पैक्ड है, और एज ए रिजल्ट ऑफ लूज पैकिंग दे कैन इजीली बी ब्रोकन डाउन, सो ये सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हीट ऑफ फ्यूजन। क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर होता है, लिहाजा स्मॉल अमाउंट ऑफ टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट देम। अक्सर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं वो 200 से पहले पहले मेल्ट हो जाते हैं, लिहाजा इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और इनका हीट ऑफ फ्यूजन काफ़ी कम होता है, क्योंकि इनमें वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लिहाजा ये बड़ी आसानी के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट से ये फ्यूज हो सकते हैं। They are bad conductor of heat and electricity.
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो होते हैं वो बेड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में न तो आयंस होते हैं और न ही इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस रिक्वायर्ड होते हैं। चूँकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में न आयंस होते हैं न इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बेड कंडक्टर्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट व्हाइल नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। नेक्स्ट क्या है, चूंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो है वो पोलर्स भी हो सकते हैं लाइक आइस एंड शुगर, और वो नॉन पोलर भी हो सकते हैं लाइक दीज। सो जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो सकते हैं, शुगर जो है वो पानी में बड़ी आसानी के साथ डिजॉल्व हो सकती है, लेकिन जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है तो वो पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकते। सो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में बड़ी आसानी के साथ डिजॉल्व हो सकते हैं, लिहाजा जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में जो है वो सॉल्युबल है। So this was all about molecular solids. If you still have any question, you can ask your question in comments. Thank you for watching this video.